स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सैंगर। आज हम देखने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दैट इज लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा सेल ऑर्गेनेल क्या होती है, वी हैव डिस्कस्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉल्गी अपैरेटस। फिर हमने गॉल्गी अपैरेटस के बाद देखा था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों चीजें देखी। नाउ वी हैव द टॉपिक दैट इज लाइसोसोम्स, सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ओके, तो देखिए लाइसोसोम्स क्या होते हैं। थर्ड सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम्स, इसका दूसरा नाम बोला जाए तो सुसाइडल बैक, इसको सुसाइड बैक भी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बहुत ही अलग तरीके से 9th और 10th और 11th और 12th में क्वेश्चन पूछती है। उसका जो पूछने का तरीका है वो फोकस नॉर्मल नेम पे कभी नहीं देगी, वो इस पे देती है फोकस, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको सुसाइड बैक क्यों कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और लाइसोसोम्स होता क्या, देखिए लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका काम है सेल की मदद करना। और सेल को मदद कैसे करती है उसको सीखते हैं। मान लीजिए ये सेल है, बीच में आपका न्यूक्लियस, ये है लाइसोसोम्स। ओके, ये है लाइसोसोम्स। कोई फॉरेन मटेरियल अगर सेल के अंदर एंटर हो गया गलती से भी, और सेल को पता पड़ गया कि ये जो मटेरियल आया है ये मुझे खराब कर देगा, अच्छा मुझे खराब कर देगा तो जिस बॉडी के अंदर मैं हूं वो बॉडी भी डैमेज होगी, तो सेल एक डिसीजन लेता है। सेल क्या करता है, सेल खुद को एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट कर लेता है, और ये हेल्प करता है इसमें लाइसोसोम्स। इन लाइसोसोम्स के पास क्या होती है, एंजाइम्स होती है। एंजाइम्स, अब ये एंजाइम्स क्या है, ये एंजाइम्स होते हैं केमिकल्स, ये पावरफुल केमिकल्स होते हैं। ओके, ये पावरफुल केमिकल्स करते क्या है, जब कभी भी सेल को स्टारवेशन होगा, भूख लगेगी, या सेल डैमेज हो गया, या सेल में कोई फॉरेन मटेरियल आ गया जो काम का नहीं है लेकिन वो सेल को खराब कर सकता है, तो आप खुद सोचिए। सपोज टू बी अपन को एक छोटा सा कोल्ड भी होता है, देन वी गो टू दी केमिस्ट, सर हमें दवा दे दीजिए, मिल जाती है, आप ठीक कर लेते खुद को। सेल कैसे करेगा, सेल पेड़ आके तो बोलेगा नहीं, सेल अंदर से तो बोलेगा नहीं कि ये चीज मुझे चाहिए, तो सेल खुद अपने पर्सनल वे में भी कुछ डिसीजन लेता है, उसी को हम कहते हैं लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या करता है, लाइसोसोम्स वक्त आने पर एंजाइम्स के थ्रू सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। और ऐसा कब होता है, जब सेल डैमेज हो जाता है, जब सेल सही से काम नहीं करता, जब सेल में कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करता है तो लाइसोसोम्स उसको खा लेता है, इट मींस अपने आप को खत्म कर लेता है। और जब कोई चीज अपने आप को खत्म कर लेती है, अपने आप को मार लेती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सुसाइड। दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। ओके, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग, देन योर आंसर इज लाइसोसोम्स। और फिर दूसरा क्वेश्चन, पहला तो आ गया विच सेल ऑर्गेनेल, इज नोन एज सुसाइडल बैग, तो आंसर क्या हो गया आपका, लाइसोसोम्स। ओके, दूसरा व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, भाई लाइसोसोम सुसाइडल बैग क्यों कहलाता है। देखो लाइसोसोम्स कंटेन्स एंजाइम्स, लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स। व्हेन द सेल गेट डैमेज और फॉरेन मटेरियल्स एंटर इनसाइड इट, देन दिस लाइसोसोम्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, वो खुद को ही खा लेता है टू प्रोटेक्ट इट, उसको सेव करने के लिए, दूसरे सेल्स को सेव करने के लिए, बॉडी को सेव करने के लिए वो उस सेल को खुद खा लेता है, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। और जब डाइजेस्ट कर लेता है तो उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए, सेल को बचाने के लिए खत्म कर लिया पूरे सेल को, तो
खत्म करना मतलब सुसाइड, दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां से आना ही आना है, और इन दो के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके अगर आपसे पूछे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, तो दे आर सुसाइडल बैग्स, दे हैव पावरफुल एंजाइम्स, विद द हेल्प दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल व्हेन दे नीडेड, और व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, और व्हेन सेल गेट डिस्टर्ब्ड, जब सेल ढंग से काम नहीं करता तो ये सुसाइडल बैग लाइसोसोम्स आपको वो कर लेता है, बचा लेता है। ओके नाउ वी हैव अनदर सेल ऑर्गेनेली विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अब हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, स्टार्टिंग विथ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे अभी आपने देखा था, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं, इसको कहते हैं पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। फेवरेट टीचर्स का क्वेश्चन, वापिस से सेम क्वेश्चन एक तो ही आ गया, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो ये हो गया, और एक क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाई, तो उसको डिस्कस करते हैं। पावर का मतलब क्या होता है भाई, काम करना, काम करोगे तभी तो पावर होगी, तभी तो काम करोगे, और काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। बस अगर हम बोलें, ठीक, अगर हम बोलें कि सेल को एनर्जी कहां से मिलती है, और आप सिंपल से वर्ड्स में, सिंगल वर्ड में बोले सर माइटोकॉन्ड्रिया से, तो आप 110% सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर ऑफ द सेल बिकॉज दे रिलीजेस एनर्जी, दे रिलीजेस एनर्जी, इनका मेन मोटिव है एनर्जी को रिलीज करना। दे रिलीजेस एनर्जी, एनर्जी को रिलीज किया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होते कैसा, लाइक दिस, ये सेल न्यूक्लियस, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, ये दो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर में डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन दिख रही है आपको। तो इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, देखिएगा, टू मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, सॉफ्ट होती है, एकदम बहुत पोरस होती है, और ये डीपली फोल्डेड होती है। देखिए फोल्डेड दिख रही है आपको, डीपली फोल्डेड होती है। अब देखिए अगर ये डीपली फोल्डेड है, ये तो सीधी सी बात हो गई, कवरिंग हो गई भाई, प्रोटेक्शन तो देगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये डीपली फोल्डेड क्यों है, ये डीपली फोल्डेड इसलिए है क्योंकि जितनी ज्यादा फोल्ड होगी, इसके ये स्पेस देती है एटीपी मॉलिक्यूल्स को। जितनी ज्यादा फोल्डेड होगी, उतनी ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे, उतनी ही ज्यादा सेल को क्या मिलेगी, एनर्जी। ओके तो देखिए व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्वेश्चन है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए सिंपल सा आंसर क्या, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे रिलीजेस एनर्जी, बिकॉज दे रिलीजेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी है क्या, एटीपी केमिकली कंपाउंड है, इसका मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल है, 3। दे रिलीजेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज किया, एटीपी के फॉर्म में रिलीज किया, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये एनर्जी देता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इस वजह से ये सेल ऑर्गेनेल कहलाती है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये सेल ऑर्गेनेल सिर्फ इसी वजह से पॉपुलर नहीं है,
इसका जो स्ट्रेंज बिहेवियर है, इसकी जो यूनिकनेस है, एक और चीज है, ये एक मायने में और यूनिक है, अलग है सबसे, सबसे अलग है। सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इसके पास खुद का, ये जो स्ट्रेंज बिहेवियर शो कर रहा है, स्ट्रेंज, सबसे अलग। ओके अच्छा, इसने एनर्जी दी, और आप कुछ सोचिए, एनर्जी कायदे से देखें तो प्लांट्स की एनर्जी किसका काम करेगी? ऑब्वियस सी बात है, वर्क के लिए, भाई दूसरे फंक्शन में काम आएगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा वो डिफरेंट डिफरेंट मैनर में। यहीं पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कैपिटल करेंसी, और करेंसी कैपिटल, ठीक है। ये क्या करता है? रोक के रखता है एनर्जी को, स्टोर करके रखता है, और फिर फ्यूचर में, करेंसी मतलब मुद्रा, क्या करती है वो भाई, आपको फ्यूचर में बचाती है, एनर्जी देती है, अल्टीमेट सोर्स है ना। पैसा नहीं हुआ तो खाना कहां से आएगा, खाना नहीं हुआ तो एनर्जी कहां से आएगी, तो इसको ये भी बोलते हैं करेंसी कैपिटल ऑफ द सेल। ओके तो इसका स्ट्रेंज बिहेवियर क्या है? एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, ऐसी सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिसके पास खुद का डीएनए है। तो सर इसके पास खुद का डीएनए है, डीएनए आप पढ़ चुके हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और खुद का डीएनए भी है, और इसके पास खुद का जब डीएनए है तो सर राइबोसोम्स भी है, और राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन। मतलब इसको डीएनए के लिए न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, इसको प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, ठीक। प्रोटीन कहां सिंथेसाइज हो रहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा था, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज कर रहे थे? प्रोटीन। तो अब देखिए, डीएनए तो था न्यूक्लियस में, ये था उसमें, मतलब ये कायदे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी पार्ट परफॉर्म कर रहा है, और न्यूक्लियस का भी पार्ट परफॉर्म कर रहा है। तो आपने देखा कैसे चीजें लिंक है। तो हमने देखा क्या? हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, और करेंसी कैपिटल भी कहते हैं। अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि भाई ये क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके इस वजह से एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कितनी लेयर है इसकी? दो लेयर है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। आउटर लेयर कैसी है? पोरस है, ठीक है, और इनर लेयर कैसी है? डीपली फोल्डेड है। डीपली फोल्डेड क्यों है भाई? ज्यादा से ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां रह सकते हैं, और ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बस इतना सा मुद्दा है। तो आपने इस वीडियो में देखा, कहीं ना कहीं आपने एक चीज और देखी होगी, सेल का डायग्राम। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अभी तक जो आपने देखा यहां पे सेल भी बनाना सीख लेते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके अभी तक जितनी बोली बात के बंद है, इस पे पोर्स बना दीजिए, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक। फिर क्या था? ये आपका क्या हो गया? ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी हो गई गोल्गी बॉडीज, ये आपका हो गया लाइजोसोम। थोड़ा ये सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे तो इसको भी भर दीजिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक। इको लाइजोसोम बना दिया, और क्या बचा? और क्या पढ़ा था अपन ने एक तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आरईआर एसईआर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, पोर्सेस हो गए, अच्छा रफ करने के लिए डाल दें, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस पढ़ लिया, और ये लाइसोसोम्स। तो ये अभी तक जो चीज अपन ने करी वो चीज अपन ने बना दी। ऐसा नहीं है कि कुछ बस ड्रॉ करके बीच में गोला मारने के कुछ भी कर दो, रंगोली नहीं है ये, है ना। चीजों को देखिएगा, और जो बुक में डायग्राम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपल वाला डायग्राम है, आप ऐसा बना सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा जब प्लांट का मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको, तो डिफरेंस मैनर में भी हम चीजों को सीखेंगे। ओके आई होप आपको इतना कंटेंट समझ में आया कि क्या होता है। ध्यान रखिएगा, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, फुल फॉर्म बहुत चीज। और एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है, किसके पास खुद का डीएनए है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है। ध्यान, अब यू हैव अनदर टॉपिक, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए जितने भी वर्ड्स आते हैं, जिसका भी एग्जिस्टेंस है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज के पीछे एक वजह है। वजह क्या है उसको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, एक वजह है। आप पढ़ रहे हैं, एक वजह है। ओके आप स्कूल जाते हैं, एक वजह है।
आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं, एक वजह है आपके पास। वो स्टेशनरी की शॉप पे बुक सेल कर रहा है, उसके पास भी एक वजह है। वेरी गुड। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ है। साइटो का मतलब जो है दैट इज रिलेटेड टू सेल, इसलिए द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, देखिए ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं पीएम लिख रहा हूं। ओके, ये बीच में है आपका न्यूक्लियस और इसके बाहर ही आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड फील्ड बिटवीन पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यू हैव टू राइट द कंप्लीट वर्ड, मैं अब्रीविएशन यूज कर रहा हूं टू सेव योर टाइम, क्योंकि आप खुद बोलते हैं सर वीडियो बहुत बड़ी जा रही है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा है, मतलब ये वाला फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, अभी साइटोप्लाज्म की जरूरत क्यों है? देखिए, इस दुनिया में हर चीज को एक मीडियम चाहिए होता है अगर उसको कहीं जाना है। सोचिए, अगर सेल खाली होता तो दूसरे ऑर्गन्स कहां जाएंगे? इमेजिन करिए, अगर भगवान ने आपको स्केलेटन नहीं दिया होता तो, डायफ्राम नहीं दिया होता तो लंग्स कहां जाते? सोचिए, है एक बॉडी को इंफ्रास्ट्रक्चर शेप नहीं दिया होता तो बॉडी के ऑर्गन्स कैसे होते? भाई आंखें बाहर लटकती, इज इट पॉसिबल? नहीं, भगवान ने डिफाइनाइट शेप दिया है। ओके, तो डिफाइनाइट शेप देने का मतलब यही है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से हो। आज आपको कहीं जाना है, छोटी डिस्टेंस होगी तो आप साइकिल से जाएंगे, बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी अगर आपको सपोज टू भी आपको दुबई जाना है तो आप प्लेन से जाएंगे, ट्रेन से पॉसिबल नहीं है। अगर आपको दिल्ली जाना है देन यू विल गो विथ ट्रेन। तो मीडियम चाहिए जाने आने के लिए। तो ये साइटोप्लाज्म करता क्या है? साइटोप्लाज्म एक्चुअल में देता है मीडियम, इसी वजह से इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सेल में। अब वहीं पे साइटोप्लाज्म तो ये हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। नाम से क्लियर है व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या था? द फ्लूइड फील्ड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? द फ्लूइड फील्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, द फ्लूइड फील्ड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इतनी बात समझ आई? अब आप सोचो न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस भी तो खोखला थोड़ी होगा, न्यूक्लियस के पास भी क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियस के पास डीएनए है, हाइड्रेटरी यूनिट लेके आ रहा है, तो कहां से लेके आएगा वो कैरेक्टर्स को? कुछ तो मीडियम देना होगा, कहां रखोगे आप डीएनए को? तो आप डीएनए को रखोगे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, ये हम प्लाज्म कह रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैंने, क्या बोला था आपसे, अगर आप फोकस अटेंशन देके नहीं पढ़ते हैं देन रिमेंबर वन थिंग, वो मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए। हर चीज का साइंस में मीनिंग है और सब्जेक्ट में मीनिंग है। आपने प्लाज्मा पढ़ी थी, फिफ्थ स्टेट, ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड ना तो गैस, ये वही प्लाज्मा है, एक अलग ही स्टेट ऑफ मैटर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और जो सेल के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म हम बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों ही मिलके कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों मिलके कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो मैं सिंपल सा लिख सकता हूं यहां पे कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म और द फ्लूइड कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इफ समवन टॉक टू यू अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म देन इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट बिहाइंड द न्यूक्लियस। अच्छा, फंक्शन क्या होंगे? इट गिव्स द मीडियम टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल। भाई मीडियम दे रहा है, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन,
भाई कोई चीज जाएगी आएगी तो कुछ तो चाहिए, कुछ सोचिए। अगर यहां से लिक्विड गया और लिक्विड यहां ट्रेवल करना चाहता है H2O, तो भाई तैर के तो जाएगा नहीं, हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं, कुछ तो मीडियम चाहिए। अब ट्रेन पटरी पे चलती है, बस रोड पे चलती है, आप रोड पे चलते हैं, खाई में चल सकते हैं, नदी में चल सकते हैं, नदी में नाव चलती है। तो हर चीज का एक डिफाइनाइट वे है, तो वो डिफाइनाइट वे ये है। तो आपने इस वीडियो में देखा साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपने देखा प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके, और प्रोटोप्लाज्म ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है। आपने देखा कि हाउ द वर्ड साइटोप्लाज्म डिराइव फ्रॉम द लास्ट वर्ड्स, ओके। तो यहां से भी हमने इसके मीनिंग को देखा। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आई थी, दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। आई होप आपको इतने कंटेंट समझ में आए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, वीडियोस को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और वीडियोस का लुफ्त उठाइए। और अपकमिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स चाहिए, देन यू कैन लॉग इन आवर वेबसाइट और यू कैन गो थ्रू आवर वेबसाइट www.ssc.com। हमारी वेबसाइट में आपको सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें, इवन एनटीएससी के स्टफ्स, कॉम्पिटिटिव स्टफ्स, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। थैंक यू।